मम्मी दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मैं आठ के कल का पंद्रह का नौ सौ का सरसों का भी होमवर्क कर दूंगा। प्लीज छोड़ दो। कैसे हो विवान? आगे मत बढ़ना, ये मेरा घर है और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ ना तो? अरे वाह, कितना प्यारा बेटा है, अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है। पर अब देखते हैं। कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। तिम्नासा, मेरी मम्मी का मम्मी दीवार यही तो हूँ मैं, देखो तुम्हारे सामने होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा। अगर होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? भारी है कम परी है। भारी तो तेरी सासे भी होंगी जब डाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई विवान की माँ को यहाँ काललोक में लेकर आने की? बालवीर, तो तुम आए हो विवान की मम्मी को बचाने। अपनी माँ को तो बचा नहीं सके, अब इसे बचाओगे? जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। इससे पहले कि आप पर हमला करें, इसका दिमाग ना गन्ने के रस की तरह निचोड़ के वो निकाल लीजिए गुप्त मंत्र। वैसे बात तो सही है, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे? तू या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बताइए ना माँ, किसके दिमाग से आप निकालेंगी ये मंत्र? इस सांप सीढ़ी के खेल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो बालवीर। अब वक्त नहीं है हमारे पास, हमें करुणा जी को यहां से जल्द लेकर जाना होगा। डॉगी जैसी टेढ़ी तुम, तेरी मूर्ति हो जाओ तुम। यही बोलना चाहते थे ना? छोड़ो छोड़ो। सो विवान, अब ना तो तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम्हारा जादू। होगी जैसी दे। मार छोड़ो मुझे। बस्ती परी, वायु परी, पाटन, गांव अब लोग। तुमने बहुत लोरियां सुनी होंगी ना अपनी माँ से, अब तुम्हें तिम्नासा लोरी सुनाएगी। Oh!
मुझे काल परी ने जो जादू दिया था मैंने उससे विवान का दिमाग पढ़ लिया। इसके पास परी तारा को जागृत करने वाला मंत्र नहीं है। इसके पास है नहीं तो आ जाएगा बहुत जल्दी, और फिर ये मंत्र मुझे ला कर देगा। किसी भी बालवीर के दिमाग से मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि असली बालवीर यहाँ है माँ। फिर मिलेंगे। बालवीर! अरे सत्यानाश हो बालवीर का, फिर से फिर गया पानी कालपरी। कैसे मिलेगा मुझे वो मंत्र? अब मैं छोटा बालवीर बनकर उस बड़े बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लूंगा। पर ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं कार्लोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। महारानी, ये क्या हुआ यहाँ? अरे आप छोटे बालवीर को लेकर आई है और इन काल परी का बेटा वो बालवीर विवान की माँ को लेकर। बालवीर अच्छा तुम आ गए, मैं और शौर्य परी तारा को कल पुष्प अर्पित करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे करुणा जी, काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को अगवा कर लिया था। मतलब तुम्हें कल पुष्प नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं कल्प पुष्प को ढूंढता तो करुणा जी को नहीं बचा पाता। लोक और काल लोक की लड़ाई में पहले मेरी माँ पर बहुत मुसीबत आई और अब करुणा जी पर भी। अब तक मैं अपनी माँ को तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन अगर आज करुणा जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तुमने ठीक किया बालवीर, जी जा क्यों नहीं रही है बालवीर? लगता है काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को गहन निद्रा में डाल दिया है। वायु परी, आपको निद्रा मारक जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी करुणा जी होश में आएंगी। मैं पृथ्वी पर विवान से मिलकर आता हूँ। लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती ना तो मस्ती परी का संदेश जरूर आता। इस वक्त ज्यादा जरूरी है हमारा कल्प पुष्प हासिल करना। उतना ही जरूरी है विवान की सुरक्षा, और इसीलिए मैं खुद एक बार विवान से मिलना चाहता हूँ। विवान कहाँ हो? कहाँ हो तुम विवान? शतरंज की बिसात पर अब मैं तुम्हें प्यादे की तरह चलूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक तो हो ना विवान? मैं तो ठीक हूँ बालवीर, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो गुप्त मंत्र निकाल लूंगा, फिर ना तुम ठीक रहोगे और ना वीर लोग। विवान तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मम्मी ने होमवर्क करने को कहा ना, और अगर किसी और काम में ध्यान दूंगा तो डांट पड़ेगी ना। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पार्टनर? कुछ नहीं विवान, मैं भी देखने ही आया था कि तुम ठीक से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। विवान को पता नहीं चलना चाहिए कि करुणा जी को काल लोक वाले अगवा करके ले गए थे। अरे बहू बेटा,
कितनी देर है चाय बनने में अभी? अरे कैसे बेटा? अगर बालवीर और ये पुट्ठा करुणा को ढूंढने लग गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अरे विवान बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मम्मी मार्केट गई है ना, दवाई करी थे, उनको थोड़ा बुखार लग रहा था इसलिए। अजीब सी बात है, बुखार है तो मुझे कह दिया होता, मैं दवाई लेके आता। ये देखो टिफिन कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो गए। हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी। नहीं नहीं, करुणा आज टिफिन नहीं दे पाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। पाठर आओ, देखो दादाजी भी गए और मम्मी भी गई है मार्केट, तो जल्दी से मुझे कोई नया जादू सिखा दो ना। करुणा जी को बुखार है और विवान जरा भी परेशान नहीं है, इसे तो खुद दवाई लेने जाना चाहिए था, उल्टा ये तो जादू सीखने की बात कर रहा है। बोलो ना बटर, नया जादू सिखा रहे हो ना? अरे विवान बेटा, आज हमें ही टिफिन पैक करना पड़ेगा और डिलीवरी देने को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दादाजी, मुझे देव भैया के घर पे जाना है ना, ट्यूशन लेने। लेकिन ट्यूशन तो तुम्हें तुम्हारी विधि और पायल दीदी देती है ना? हाँ लेकिन विवान, दादाजी सही कह रहे हैं, मम्मी जैसी दवाई लेकर आएगी तो उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दादाजी की मदद करो और सारे टिफिन पहुंचा दो। मुझे फौरन शौर्य से मिलना चाहिए। मैंने सोचा था अगला जादू सीखने के बहाने बालवीर से गुप्त मंत्र पूछ लूंगा, लेकिन इस बुड्ढे ने मौका ही नहीं दिया। विवान आनाकानी मत करो, देरी हो रही है, लंच टाइम होने ही वाला है। हाँ आ रहा हूँ। सॉरी विवान, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब? विवान करुणा जी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि कालोग वाले ने करुणा जी को अगवा कर लिया, तो वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि अगर करुणा जी सच में बीमार होती तो क्या विवान उन्हें अकेले दवाई लेने जाने देता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने दादाजी और खुशी पर भी सुरक्षा कवच डाल दिया है, ताकि कालोक वालों की वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है बालवीर कि कालोक वाले ने जब करुणा जी को अगवा किया था तब विवान पर भी कोई जादू कर दिया? बालवीर, बेचैन मन और उलझन भरे दिमाग से परितारा को जागृत करने की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पहले जाकर इस गुत्थी को सुलझाओ। वायु परी, करुणा जी अब कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। मैं और बाकी परियां उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। टिफिन बांटने के फालतू कम है, बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। ये रहा बालवीर का घर, अब मैं उसके पास जाकर वो मंत्र उगलवाता हूँ। विवान, विवान प्लीज हमारी मदद कर दे, हम बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज हेल्प कर देना। मेरी तुम लोगों से कट्टर दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? गोपू और सूतली बोल रहे थे कि विवान का दिल बहुत बड़ा है और वो मुसीबत में सबकी मदद करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या दुश्मन। भैया मुझे तो लगता है कि विवान ना बदल गया, अब वो वाला विवान ना नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर विवान। इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए, वरना बाकी लोगों को भी शक हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मदद चाहिए? वो वहाँ जाली में हमारी बॉल गिर गई है, प्लीज निकाल देना। तुम लोग खुद ही निकाल सकते क्या? विवान वो जाली को देख, वो जाली है बेबी साइज और हम है किंग साइज, हम अंदर तो क्या हमारा हाथ भी नहीं घुस पा रहा है। हेल्प कर दे, प्लीज हेल्प कर दे मेरे भाई। ठीक है चलो। यस। विवान अंदर हाथ डालेगा तो उसके चूहेदानी में हाथ फंस जाएगा, फटाक करके उसके बेबी फेस पे आंसू हो जाएंगे, उसकी चीख निकलने वाली है। 5 4 3
अगर मैं विवान होने का नाटक नहीं कर रहा होता तो इन शैतानों को बताता कि वो शैतान के राजा से छेड़खानी कर रहे हैं। फटाकी तो आवाज आई लेकिन ठीक नहीं निकली। ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। इसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। हाँ। अब इनको विवान की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। विवान ब, ब, बॉल मिली क्या? बॉल तो नहीं मिली लेकिन ये उंगलियों को मसाज करवाने वाली मशीन जरूर मिली है? और इसे मसाज करवा के उंगलियों की ताकत बढ़ गई है। दिमाग खराब हो गया है। ये मसाज करने वाली मशीन नहीं ये तो चूहों को पकड़े दानी जैसी दिखती जरूर है लेकिन है पुराने जमाने वाला मसाजर। इससे मसाज करवाने के बाद उंगलियों में ताकत बढ़ गई है। क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे विवान? यकीन नहीं हो रहा ना? अभी दिखाता हूँ। दिखा। ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला रॉड वर्ड। इसने तो सही में तोड़ दी। ये कैसे कर दिया? अब यकीन हुआ? अरे रुक 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 रुक। हमारा मसाजर तो हमें वापस लेके जा। तुम लोगों ने तो कहा था कि जाली के अंदर बॉल गई है पर ये तो मसाजर है। वापस कर दे वरना मैं करुणा आंटी को कंप्लेन कर दूंगी कि तूने किसी के घर से मसाज करने वाली मशीन चुरा ली है। ठीक है ये लो। इधर लाओ चिंटी। मैं बड़ा हूं ना, पहले मैं अपनी उंगलियों की ताकत बढ़वाऊंगा। 3, 2, 1 आई निकाल ना। मैंने पहले ही बोला था कोई भी काम नया पहले मुझे करने दिया करो। आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते। ठीक है तू कर ले तेरी भी उंगलियां मसल जाएंगी। देखा बालवीर हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा विवान को देखकर। अभी अभी वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद अभी दादाजी के साथ टिफिन के डब्बे लेकर पार्सल देने गया है। वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ और अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसको विवान की सारी यादें कैसे याद होती? पर वो तो दादाजी करुणा जी और अपने सभी दोस्तों को अच्छे से पहचान रहा है। यादें तो चोरी भी की जा सकती है लेकिन काल लोक की बुरी शक्तियां विवान के मन पर काबू नहीं कर सकती। इसलिए ये विवान असली है या नकली ये तो हमें उसके मन की परीक्षा करने पर ही पता चलेगा। अरे विवान आओ आ गए दादाजी के साथ टिफिन बांटकर। अगर इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो हम पता कैसे लगाएंगे ये असली विवान है या नहीं? आप लोगों की गुजर बसर सुन ली है मैंने। आप लोगों को ऐसी बात का टेंशन है ना कि अगर आप लोग मुझे कोई नया जादू सिखाओगे तो इस बार मैं क्या गड़बड़ करूंगा। लेकिन पक्का प्रॉमिस इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। विवान ये नया जादू देने का समय नहीं। क्यों सब ठीक तो है ना वीर लोक में? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहते तो ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। सिर्फ नाम का बालवीर हूँ मैं। रुको विवान। विवान ऐसा कुछ नहीं है। बालवीर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जल्दी बताओ ना पार्टनर। हर 500 वर्षों में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित किया जाता है लेकिन इस बार तिमनासा ने उस कल्प पुष्प को धोखे से हासिल कर लिया है। हाँ और अगर तिमनासा ने वो कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर दिया तो वीर लोक की सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। क्या ये हम होने नहीं दे सकते पार्टनर? लेकिन अगर तिमनासा को वो फूल मिल चुका है तो वो परितारा को अर्पित क्यों नहीं कर रही है?
क्योंकि विवान उसके लिए गुप्त मंत्र की जरूरत है। बस अब तुम खुद मुझे वो गुप्त मंत्र बताओगे बालवीर? गुप्त मंत्र? ये क्या है? पाटन आपको ये गुप्त मंत्र पता है क्या? हाँ विवान। विवान तुम भी बालवीर हो और इसलिए ये मंत्र मैं तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें काल लोक से उस पुष्प को वापस लाना होगा। तो चलो बॉर्डर में तैयार हूँ, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे वो गुप्त मंत्र भी ना मुझे गालोक में पता है। चल 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 रुको, तिमनासा से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ एक साथ देना चाहता। वाह जल्दी दे दो शक्तियाँ। लेकिन एक शर्त है विवान। वीर लोक को बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ बॉर्डर। पहले शर्त तो सुन लो, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। विवान की सबसे प्यारी चीज तो उसकी माँ है, लेकिन बालवीर ने हमेशा अपने फर्ज को आगे रखा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो विवान? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरी मम्मी, और वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है, तो मैं तैयार हूँ मेरी मम्मी को कुर्बान करने के लिए।